ओके चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ किंगडम मोनेरा, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बहुत सारे नाम हैं, इनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए भी कहते हैं और इनको साइनोफाइसी या फिर मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। क्लियर। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, सो साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बट ये एक खास प्रकार के प्रोकैरियोट्स हैं। वो कैसे? क्योंकि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया नाम के जो प्रोकैरियोट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसलिए दीज आर दी फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। क्लियर। तो दीज आर दी फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। ओके, दीज आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। याद रखिएगा, जितने भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ऑल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और क्योंकि साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं, इसलिए इनको हम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इनकी जो फोटोसिंथेसिस होती है, ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से डिफरेंट होती है। वो कैसे? क्योंकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस तो इस प्रकार की फोटोसिंथेसिस है कि उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, यानी कि जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है वो एनऑक्सीजेनिक, ओके, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। लेकिन यहां साइनोबैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। एक टिपिकल फोटोसिंथेसिस की तरह यहां भी ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसलिए साइनोबैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, क्लियर। बात करते हैं इनके हम ऑरिजिन की। इफ वी टॉक अबाउट देयर ऑरिजिन, तो ऐसा माना जाता है कि दिस साइनोबैक्टीरिया आर सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड, आर सपोज टू हैव इवॉल्व्ड अबाउट 3 billion ईयर्स एगो। ओके, अबाउट 3 billion ईयर्स एगो इनका इवोल्यूशन लगभग 3 billion ईयर्स पहले हुआ था, ऐसा माना जाता है। और क्योंकि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग देयर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज, तो जब इनका इवोल्यूशन हुआ पृथ्वी पर, तो ऑक्सीजन एड होनी शुरू हो गई एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ। ओके, सो दिस साइनोबैक्टीरिया एडेड टू द एनवायरमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट पेव्ड वे फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। अगर इनके हम हैबिटाट की बात करें, ओके, हैबिटाट, तो साइनोबैक्टीरिया हर प्रकार के हैबिटाट में पाए जाते हैं, चाहे वो सी वाटर हो, ओके, सी वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ओके, एंड सॉल्ट मार्सेस में भी पाए जाते हैं ये, ओके, एंड मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया, इवन मॉइस्ट रॉक्स में भी पाए जाते हैं, ओके, ट्री ट्रंक्स में पाए जाते हैं, ओके, ट्री ट्रंक्स, इवन ये हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, ओके, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, इवन ये फ्रोजन वाटर में भी पाए जाते हैं। सो साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स। क्लियर। ओके, बात करते हैं हम इनके अबंडेंस की, राइट, अबंडेंस। अगर इनकी अबंडेंस की बात करें, तो दिस साइनोबैक्टीरिया
दीज ब्लू ग्रीन एल्गी अकर अबंडेंटली इन दी एनवायरमेंट। क्लियर? आप ये कितने अबंडेंटली पाए जाते हैं किसी भी हैबिटेट में, किसी भी एनवायरमेंट में, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रेड सी है, नाम सुना होगा आपने, रेड सी, लाल सागर। रेड सी को हम रेड सी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रेड सी का वाटर है, पानी है, दैट अपीयर्स रेड इन कलर। और वो रेड इन कलर क्यों अपीयर होता है? दैट रेड कलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ रेड कलर्ड साइनोबैक्टीरिया। रेड कलर साइनोबैक्टीरिया अकर अबंडेंटली इन दैट वाटर, therefore the water of that sea appears to be red in color, इसलिए उसको red sea कहते हैं। और वो red cyanobacteria का example क्या है, नाम क्या है, जैसे कि उसका नाम है trichodesmium erythrium, एक ही नाम है ये, trichodesmium erythrium। ये एक क्या है, इट इज अ रेड ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज अ रेड साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? ये उस रेड सी में इतनी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इतनी अधिक संख्या में पाए जाते हैं कि इनकी वजह से वो पानी रेड अपीयर होता है, रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए उसको हम रेड सी कहते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन ऑफ देयर अबंडेंस, हाउ अबंडेंटली दे अकर इन एनी एनवायरमेंट। और ये कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, दे ऑल्सो फॉर्म कॉलोनी, सो दी में अकर सिंगली, दीज आर यूनिसेलुलर, नो डाउट ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर यूनिसेलुलर, बट हियर इन साइनोबैक्टीरिया दीज ऑर्गेनिजम्स कैन अकर सिंगली, देयरफॉर आई हैव रिटन हियर यूनिसेलुलर, ओके, एंड दे में दीज में ऑल्सो फॉर्म कॉलोनी, सो दे में also occur in colonial form, okay, in colonial form, they are also found as filaments, okay, you can see here the filaments, this is the filament of oscillatoria, this is the filament of arthrospora, clear, okay, and कॉलोनियल का एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, जो नॉस्टॉक नाम का साइनोबैक्टीरिया है वो कॉलोनी फॉर्म करता है, वो कॉलोनी में रहता है। क्लियर? ओके, ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनके बाहर एक मोटी थिक म्यूसिलेज शीट प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेज क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड सबस्टेंस है जो कि स्टिकी होता है, चिपचिपासा होता है, चिकना पदार्थ होता है। सो जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं, ऑल साइनोबैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ म्यूसिलेज शीट, ओके, दे कंसिस्ट ऑफ म्यूसिलेज शीट, ओके, दी साइनोबैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ म्यूसिलेज शीट। आप यहां पर देख सकते हैं हर एक साइनोबैक्टीरिया के साथ ये डॉटेड स्ट्रक्चर है, जो ये क्या है, म्यूसिलेज शीट है। क्या है जी? ये म्यूसिलेज शीट है। क्लियर? ओके, ये जो हमारे फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं, ओके, फिलामेंटस फॉर्म्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया होती हैं, इन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में एक या एक से ज्यादा सेलुलर स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा सेलुलर स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं जिनको कि हम ट्राइकॉम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं जिनको कि हम ट्राइकॉम्स, याद रखिएगा, द फिलामेंटस फॉर्म्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया मे हैव वन और मैनी सेल्युलर स्ट्रैंड्स, जिनको कि हम बोलते हैं ट्राइकॉम्स, यानी कि बहुत सारी सेल्स मिलके एक 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 लंबा सा स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको कि हम ट्राइकॉम्स कहते हैं। क्लियर? और जिन फिलामेंट्स में एक ट्राइकॉम होता है, सिंगल ट्राइकॉम फिलामेंट्स में, जिन फिलामेंट्स में एक ट्राइकॉम होता है, सिंगल ट्राइकॉम फिलामेंट्स, ये जो सिंगल ट्राइकॉम फिलामेंट्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जी होमोसिस्टस
ओके जी, होमो सिस्टस और एक होते हैं जी हेट्रोसिस्टस, होमो सिस्टस और हेट्रोसिस्टस। होमोसिस्टस का मतलब वो फिलामेंट्स जो अनडिफरेंशिएटेड है, कैसे है जी, वो जो अनडिफरेंशिएटेड है जी, ओके, विच आर अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब जिनमें हेट्रोसिस्ट नाम की सेल्स, हेट्रोसिस्ट नाम के स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, और जो हेट्रोसिस्टस फिलामेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं जी, वो होते हैं डिफरेंशिएटेड। कैसे होते हैं जी ये, डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब उनमें हेटेरोसिस्ट नाम की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं जी, हेटेरोसिस्ट नाम की सेल्स प्रेजेंट होती है उन फिलामेंट्स में। सो जिन फिलामेंट्स में सिंगल ट्राइकोम होता है वो सिंगल ट्राइकोम फिलामेंट्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, होमोसिस्टस और हेटेरोसिस्टस। होमोसिस्टस फिलामेंट्स अनडिफरेंशिएटेड फिलामेंट्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड फिलामेंट्स का मतलब दिस डू नॉट कंटेन, दिस डू नॉट हैव हेटेरोसिस्ट सेल्स। और दूसरे हेटेरोसिस्टस फिलामेंट्स हो सकते हैं, और हेटेरोसिस्टस फिलामेंट्स का मतलब ये डिफरेंशिएटेड फिलामेंट्स हैं, दोस फिलामेंट्स व्हिच हैव व्हिच कंटेन हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर्स। बात करेंगे इसकी हम, ओके ओके क्लियर। अगर हम बात करें इनके सेलुलर स्ट्रक्चर की, सो दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी, क्लियर, दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी। बात करते हैं इनके सेलुलर स्ट्रक्चर्स की, क्लियर। सो दिस इज द सेलुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साइनोबैक्टीरियल सेल, क्लियर। दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल, क्लियर। हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर की। इनके अंदर सबसे बाहर एक सेल एनवेलप होता है, आपको याद हो तो बैक्टीरिया में भी एक सेल एनवेलप होता है, जो कि किसका बना होता है, म्यूसिलेज का, सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का। ऐसे ही यहां, उसी प्रकार से यहां साइनोबैक्टीरियल सेल्स में भी एक आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है, जो प्रोटेक्टिव वॉल लेयर होती है, उसको हम सेल एनवेलप कहते हैं, जो कि तीन पार्ट से मिलकर बना है बैक्टीरिया के, जैसे म्यूसिलेज, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। तो यहां भी सबसे बाहर सेल एनवेलप होता है, सेल एनवेलप, ओके, ये तीन वॉल लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर मोस्ट तो म्यूसिलेज सीथ होती है जी, ओके, मिडल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये जो सेल वॉल होती है, ये भी इसकी कंपोजिशन बैक्टीरियल सेल वॉल के इक्विवेलेंट होती है, यानी कि ये भी पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है, ओके, पेप्टिडोग्लाइकन्स, ये भी पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। ये जो साइनोबैक्टीरियल सेल्स होती है, ये ग्राम पॉजिटिव होती है, कैसी होती है जी, ये ग्राम पॉजिटिव सेल्स होती है, कैसी होती है जी, ये ग्राम पॉजिटिव सेल्स का मतलब देयर सेल वॉल कैन बी स्टेन्ड बाय द ग्राम स्टेन, क्लियर, ओके, देयर सेल वॉल कैन पिक अप द स्टेन, ग्राम स्टेन, इसलिए ये ग्राम पॉजिटिव सेल्स होती है, क्लियर, ओके। बात करते हैं हम इनके साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की। यहां आप देख सकते हैं ये आउटर मोस्ट डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द म्यूसिलेज, क्या है ये, म्यूसिलेज सीट है, उसके अंदर ये क्या है, ये दिस इज द थिक सेल वॉल, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, उसके अंदर क्या है ये सेल मेम्ब्रेन, क्या है ये सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। सो हेयर इन साइनोबैक्टीरिया, इन ब्लूग्रीन एल्गी, द सेल एनवेलप फॉर्म्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री एंड इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, आउटर मोस्ट म्यूसिलेज कवरिंग, मिडल वन सेल वॉल विच इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स एंड इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है जी। बात करते हैं इनके सेलुलर इंक्लूजन्स की। इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे फ्री मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको कि हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं, क्या बोलते हैं जिनको हम, थाइलाकॉइड। देखिएगा ये क्या है,
थाइलाकॉइड्स है. ओके, सो साइनोबैक्टीरियल सेल्स कंटेन पेरिफेरली प्लेस्ड थाइलाकॉइड्स. सेंटर में नहीं है ये, पेरिफेरली होती है थाइलाकॉइड्स. सो थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट. ओके, थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होती है. और ये जो थाइलाकॉइड्स होती है ये कैसी होती है जी? फ्री होती है, अटैच नहीं है आपस में, कनेक्टेड नहीं है. दीज आर दी फ्री थाइलाकॉइड्स विच अकर पेरिफेरली, विच अकर पेरिफेरली. ओके, एंड ये जो थाइलाकॉइड्स होती हैं, हर एक थाइलाकॉइड के सरफेस पर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए हुए हैं, ब्लैक डॉटेड. ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं फाइकोबिलिजोम्स. यानी कि फाइकोबिलिजोम्स, फाइकोबिलिजोम्स नाम के स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड के सरफेस पर अटैच्ड होते हैं. बहुत सारे फाइकोबिलिजोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स. क्लियर? सो थाइलाकॉइड्स आर अटैच्ड विद फाइकोबिलिजोम्स. ओके, फाइकोबिलिजोम्स. ये जो फाइकोबिलिजोम्स होते हैं, दीज कंटेन फाइकोबिलिन्स, दीज कंटेन फाइकोबिलिन्स. इनमें फाइकोबिलिन्स नाम के स्ट्रक्चर्स, नाम के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं. एक तो होते हैं सी फाइकोसाइनिन, एक होते हैं जी एलो फाइकोसाइनिन, और तीसरा होता है जी सी फाइको इरिथ्रिन. ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं. सी फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर होते हैं, एलो फाइकोसाइनिन ये भी ब्लू कलर होते हैं, और फाइको इरिथ्रिन, सी फाइको इरिथ्रिन जो कि रेड कलर होते हैं. अब किसी भी साइनोबैक्टीरिया का कलर किस पर डिपेंड करेगा? ऑन द डिफरेंस ऑन दैट कलर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ दीज फाइकोबिलिन्स. जिसमें जिस फाइकोबिलिन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, जिस फाइकोबिलिन का लेवल ज्यादा होगा, वैसा ही उस साइनोबैक्टीरियल सेल का कलर होता है. सो द कलरेशन ऑफ द साइनोबैक्टीरियल सेल इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ दीज थ्री काइंड्स ऑफ फाइकोबिलिन्स. क्लियर? ओके, ये जो थाइलाकॉइड्स होती है, क्लियर, इनके थाइलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, इन थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं. ओके, और वो कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल ए, दूसरा जी कैरोटीन्स, और तीसरा जैंथोफिल्स. जैंथोफिल्स, ओके. सो याद रखेंगे आप, मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड्स कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और ये कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल्स. क्लियर है जी? ओके, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की. क्लियर? नेक्स्ट सेलुलर स्ट्रक्चर्स की, सेलुलर इंक्लूजन्स की. यहां पर साइनोबैक्टीरियल सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं. कौन से होते हैं जी? 70S टाइप के राइबोसोम्स यहां पर पाए जाते हैं. क्लियर? और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियल्स, लाइसोसोम्स वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं ये एब्सेंट होती है. सो इन साइनोबैक्टीरियल सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ओके, गॉल्जी बॉडीज, ओके, सेंट्रियोल्स, ओके, लाइसोसोम्स एटसेट्रा आर जस्ट एब्सेंट, नहीं होते इनमें ये सब. क्लियर? ओके, सो यहां पर 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं इनमें. क्लियर? यहां पर साइनोबैक्टीरियल सेल्स में गैस वैक्यूल्स,
प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं जी? गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट, गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। आप देख सकते हैं यहां पर, दीज आर दी गैस वैक्यूल। सो हेयर इन साइनोबैक्टीरियल सेल्स सैप वैक्यूल्स आर एबसेंट, इन प्लेस ऑफ सैप वैक्यूल्स गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड दीज गैस वैक्यूल्स कंटेन गैस वेसाइकल्स। इनमें क्या होते हैं जी? और सारे गैस वेसाइकल्स होते हैं, क्लियर। और ये गैस वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है? दीज गैस वैक्यूल्स प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन। दीज गैस वैक्यूल्स प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन। और दूसरा फंक्शन क्या है? दीज गैस वैक्यूल्स ऑल्सो हेल्प इन बायोएंसी इन फ्लोटिंग ऑफ द साइनोबैक्टीरियल सेल्स ऑन द वॉटर सरफेस। क्लियर, दो फंक्शन है इसके, क्लियर। ओके, बात करते हैं हम लोग जेनेटिक मटेरियल की, इसके जेनेटिक मटेरियल्स की, क्लियर। यहां पर बाकी प्रोकैरियोट्स की तरह यहां साइनोबैक्टीरियल सेल्स में भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड और सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए से बना होता है। सो लाइक ऑल अदर प्रोकैरियोटिक सेल्स, हेयर इन साइनोबैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल हैज सिंगल सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए, क्लियर। सो दिस इज द सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए दैट एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। दिस इज द न्यूक्लियोइड। सो यहां पर न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल, ओके। और न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड इज अ नेकेड एंड सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, नेकेड सिंगल सर्कुलर डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल हेयर। और ऐसे जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेकेड क्यों है ये? बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। इट हैज ओनली सिंगल, ओनली वन डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ड्यूप्लेक्स डीएनए, बट दैट डीएनए इज सर्कुलर डीएनए, ओके। सो दिस इज अबाउट द जेनेटिक मटेरियल। सो न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल इन साइनोबैक्टीरियल सेल। यहां पर साइनोबैक्टीरियल सेल्स में जो न्यूक्लियोइड होता है, दैट न्यूक्लियोइड इज अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सेमी सर्कुलर मेम्ब्रेन्स, थ्रू अ ग्रुप ऑफ सेमी सर्कुलर मेम्ब्रेन जिनको कि हम कहते हैं लैमिनाजोम। तो साइनोबैक्टीरियल सेल्स में लैमिनाजोम्स के द्वारा सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियोइड से अटैच्ड होती है एंड लैमिनाजोम्स आर द सेमी सर्कुलर ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स विच अटैच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियोइड। सो हेयर लैमिनाजोम्स आर प्रेजेंट। लाइक इन बैक्टीरियल सेल्स आपको बताया था कि मेसोजोम्स आर प्रेजेंट, सो हेयर इन साइनोबैक्टीरियल सेल्स लैमिनाजोम्स आर प्रेजेंट विच आर सिमिलर टू द मेसोजोम्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, क्लियर। ओके, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरियल सेल्स, क्लियर। यहां साइनोबैक्टीरियल सेल्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ओके, रिजर्व फूड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है जी? वो होता है लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ओके, लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है या फिर वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। किसके रूप में होता है जी? स्टार्च के रूप में होता है। सो इन साइनोबैक्टीरियल सेल्स द रिजर्व फूड मटेरियल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स और स्टार्च ग्रेन्यूल्स, और स्टार्च ग्रेन्यूल्स, क्लियर। यहां साइनोबैक्टीरियल सेल्स आप देख सकते हैं, यहां पर दीज आर दी लिपिड ग्रेन्यूल्स एंड दीज आर दी स्टार्च ग्रेन्यूल्स, लिपिड ग्रेन्यूल्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, क्लियर। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं साइनोबैक्टीरियल सेल्स में, ये ग्रेन्यूल्स तीन टाइप के होते हैं जी, याद रखिएगा। ग्रेन्यूल्स आर ऑफ फोर टाइप। कौन कौन से जी? एक तो होते हैं आपके अल्फा ग्रेन्यूल्स, ओके, अल्फा ग्रेन्यूल्स। एक होते हैं जी बीटा ग्रेन्यूल्स, एक होते हैं वॉल्यूटिन्स,
और एक होते हैं पॉलीहेड्रल बॉडीज। सो यहां साइनोबैक्टीरियल सेल्स में चार प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स, बीटा ग्रेन्यूल्स, वॉल्यूटिन्स एंड पॉलीहेड्रल बॉडीज। ये जो अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं ये साइनोफाइसिन स्टार्च होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर दी साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रेन्यूल्स। अल्फा ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ये साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो बीटा ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर दी लिपिड ड्रॉपलेट्स। क्या है जी? ये लिपिड ड्रॉपलेट जो मैंने आपको बताया यहां पर, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स और स्टार्च ग्रेन्यूल। ये जो स्टार्च है ये कौन सा स्टार्च है? ये साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है यहां पर। तो ये जो साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रेन्यूल्स है इनको अल्फा ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और जो लिपिड ड्रॉपलेट्स है इनको हम लोग बीटा ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और तीसरा वॉल्यूटिन्स है, और चौथा पॉलीहेड्रल बॉडीज है। क्लियर? क्या है जी? ये जो पॉलीहेड्रल बॉडीज है ये क्या है? दीज आर दी राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सीलेज। ये एक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जिनको कि राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सीलेज कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस, ग्लूकोज में चेंज करने में हेल्प करते हैं। सो राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सीलेज आर दी पॉलीहेड्रल बॉडीज। दीज आर दी फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स विच हेल्प इन दी कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ओके, बात करते हैं हम इनकी हेटेरोसिस्ट की। ओके, हेटेरोसिस्ट, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें बीच बीच में एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनको कि हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ओके, याद रखना, जो सिंगल ट्राइकोम फिलामेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, आपको मैंने बताया था, एक तो होमोसिस्टस फिलामेंट जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मींस उनमें हेटेरोसिस्ट नाम के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, और दूसरे हेटेरोसिस्टस जो कि डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड का मतलब उन फिलामेंट्स में कहीं ना कहीं हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेटेरोसिस्ट क्या है? ये हेटेरोसिस्ट क्या है? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। क्या है जी? ये दीज आर दी स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनका कलर कैसा होता है, जो कि पेल कलर्ड की होती है, विच आर पेल कलर्ड एंड विच आर थिक वॉल्ड होती है, एंड देयर वॉल इज नॉट परमिएबल टू ऑक्सीजन। याद रखिएगा, नॉट परमिएबल टू ऑक्सीजन बट टू नाइट्रोजन। सो दिस इज दी हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या है? स्पेशलाइज सेल्स है, पेल कलर की सेल्स है, थिक वॉल होती है इनकी, एंड देयर वॉल इज नॉट परमिएबल टू ऑक्सीजन बट देयर वॉल इज परमिएबल टू नाइट्रोजन। क्लियर? एंड आप देख सकते हैं हेटेरोसिस्ट के चारों तरफ म्यूसिलेज एब्सेंट है, बाकी सारी सेल्स में म्यूसिलेज प्रेजेंट है बाकी सारी सेल्स के बाहर, लेकिन यह हेटेरोसिस्ट के बाद म्यूसिलेज शीथ एब्सेंट है। सो हियर इन हेटेरोसिस्ट म्यूसिलेज शीथ एब्सेंट होती है जी। म्यूसिलेज शीथ इज एब्सेंट। ये जो हेटेरोसिस्ट के अंदर जो थायलाकॉइड्स होती हैं, उन थायलाकॉइड्स में फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। ओके, सो नो पीएस सेकंड, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता हेटेरोसिस्ट के अंदर, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, और हेटेरोसिस्ट के अंदर फाइकोब्लिजोम्स भी नहीं पाए जाते, फाइकोब्लिजोम्स भी एब्सेंट होते हैं हेटेरोसिस्ट में, और यही कारण है कि हेटेरोसिस्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करती। ओके, नो फोटोसिंथेसिस, हेटेरोसिस्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करती। हेटेरोसिस्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, दैट इज नाइट्रोजिनेज। ओके, नाइट्रोजिनेज याद रखिएगा, इनसाइड द हेटेरोसिस्ट ए नाइट्रोजिनेज एंजाइम
इज प्रेजेंट ओके। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ये हाइड्रोसिस क्या करती है, ये N2 फिक्सेशन करती है, क्या करती है जी, ये N2 फिक्सेशन का काम करती है। N2 फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हेटरोसिस्ट आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, क्लियर। बट इनसाइड द हेटरोसिस्ट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज हियर इनसाइड द हेटरोसिस्ट फोटोसिस्टम 2 एंड फाइकोग्लिसोम्स आर एब्सेंट। दीज आर थिक वॉल्ड स्पेशलाइज्ड पेल कलर्ड सेल्स अराउंड विच म्यूसिलेज शीथ इज एब्सेंट ओके क्लियर। सो दिस इज द नॉस्टॉक फिलामेंट, क्लियर। ये नॉस्टॉक है और ये नॉस्टॉक क्या है, ये हेटेरोसिस्ट है, क्लियर। बात करते हैं हम लोग इसके साइनोबैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लियर। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये दो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं ओके, एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। एसेक्सुअली कैसे करते हैं ये, या तो बाइनरी फिशन के द्वारा करते हैं ये ओके, या फिर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं, या तो बाइनरी फिशन के द्वारा करते हैं या फिर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअली तो ये बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब मोस्टली फ्रेगमेंटेशन फ्लामेंटस फॉर्म्स में पाया जाता है। यहां पर फ्लामेंट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू मेनी पीसेस, इनटू मेनी फ्रेगमेंट, एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू साइनोबैक्टीरियल कॉलोनी और न्यू साइनोबैक्टीरियल फ्लामेंट, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन मोस्टली फ्लामेंटस फॉर्म्स में पाया जाता है। फ्लामेंटस फॉर्म्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं, हर एक पीस को फ्रेगमेंट कहते हैं और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया फ्लामेंट बन जाता है ओके। ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हॉर्मोगोनिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, हॉर्मोगोनिया भी कहते हैं, क्लियर ओके। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ये पैरासेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे जी, पैरासेक्सुअली। पैरासेक्सुअली क्यों कहा है, क्योंकि यहां साइनोबैक्टीरिया में टिपिकल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, मींस यहां पर गैमेट फॉर्मेशन या मियोसिस वगैरह नहीं होती, तो यहां पर टिपिकल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। बट यहां पर जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए उसको हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, या और इवन से इट इज अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो पैरासेक्सुअल जिसको कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये कौन कौन सा होता है, ये कॉन्जुगेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है ओके, और ट्रांसडक्शन भी होता है, ट्रांसडक्शन ओके। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ पैरासेक्सुअल टाइप जो कि कंजुगेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइनोबैक्टीरिया ओके। थैंक यू।